अभी कुछ ही दिन बीते हैं एक्ट्रेस गौहर खान के पिता जफर अहमद खान के निधन को। गौहर इस गम से अभी उभर भी नहीं पाई थी कि एक्ट्रेस पर एक बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। गौहर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और ये FIR दर्ज करवाई है BMC ने। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला गौहर ने ऐसा क्या कर डाला है कि उनके खिलाफ BMC ने ये कदम उठा लिया। तो आपको बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। दरअसल गौहर के पास कोरोना टेस्ट की दो अलग अलग रिपोर्ट मिली है। एक रिपोर्ट 11 मार्च को मुंबई में किए गए कोविड टेस्ट की है जो पॉजिटिव है, तो वही दूसरी रिपोर्ट दिल्ली की है जो नेगेटिव आई है। 11 तारीख को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी गौहर 12 मार्च को दिल्ली में करवाए गए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर बाहर घूमते नजर आई, जिसके बाद अब मुंबई महानगर पालिका ने गौहर खान के खिलाफ कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर FIR दर्ज की है। BMC के मुताबिक गौहर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बावजूद इसके उन्होंने सहयोग नहीं किया और लापरवाही बरती। वहीं BMC के एक अधिकारी ने बताया कि जब स्टाफ गौहर के घर पर क्वारंटीन स्टैंप लगाने के लिए गया तो उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला। इतना ही नहीं, गौहर ने किसी फोन कॉल या मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। एक ट्वीट में BMC ने जानकारी दी कि कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के लिए बॉलीवुड एक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, साथ ही FIR की कॉपी भी ट्वीट की गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में गौहर का नाम तो नहीं है, लेकिन इस FIR को गौहर से ही जोड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गौहर खान कोरोना पॉजिटिव होकर भी मुंबई के ओशिवारा इलाके में घूम रही थी और इस बारे में वहां के स्थानीय लोगों ने ही शिकायत भी की थी। वहीं मुंबई पुलिस के एक प्रवक्ता एस चैतन्य ने ABP न्यूज से बात करते हुए कहा कि गौहर खान के खिलाफ ओशिवारा पुलिस थाने में धारा 188, 269, 270, IPC 51B के तहत FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि गौहर खान कोरोना से संक्रमित पाई गई थी और उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए घर पर ना रहकर बाहर फिल्म की शूटिंग कर रही है। आपको बता दें कि अब गौहर के खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह से गौहर के खिलाफ ये FIR दर्ज होने की खबर सामने आई है उससे उनके फैंस भी काफी हैरान रह गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गौहर के पिता की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद एक्ट्रेस और उनके घर वाले काफी सदमे से गुजर रहे हैं। वहीं इस FIR से गौहर के सामने एक नई परेशानी भी अब खड़ी हो चुकी है।